रहे हैं न्यूज़ वेब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या मामला है? हमको तो पता नहीं, मैं एक दिन पहले घर पे गई थी, मेरा हथियार छूट गया। हथियार कौन उठाकर ले गया हमको पता नहीं। मैं कानून को सम्मान करती हूँ, करती रहूंगी, प्रशासन को हमेशा साथ देती हूँ, देती रहूंगी। मढ़ौरा थाना अंतर्गत 20 अगस्त को पुलिस की एक टीम पर हमला किया गया था, जिसमें कि एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की हत्या हो गई थी। एक कांस्टेबल सीरियसली इंजर्ड हुआ था। उसमें प्रारंभिक अनुसंधान में जो पता चला, उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में 7 लोगों का नाम आया था, उसमें सभी एक व्यक्ति पूर्व से ही जेल में था, जो रघुन सिंह नाम का व्यक्ति को षड्यंत्रकारी के रूप में पाया गया था। और बचे हुए 6 व्यक्तियों का पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 6 अभियुक्तों का इश्तेहार प्राप्त किया गया था। उसी में आज कुर्की के लिए आवेदन कोर्ट में दिया गया था। इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ जो अपराधकर्मी हैं वहाँ कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आए हैं। पुलिस के का टीम लगाया गया था, जो भी प्रवेश द्वार हैं या उसके शहर में अन्य क्षेत्रों में भी। उसी के क्रम में म्युनिसिपल चौक के पास से कांड में मुख्य अभियुक्त जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना उनको अरेस्ट किया गया सदर डीपीओ के नेतृत्व में। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त के बारे में पता चला कि वो किसी से चकमा दे करके कोर्ट में जाकर के सरेंडर किया। अन्य अभियुक्तों का इसमें कुर्की आज प्राप्त होने की संभावना है। आगे पुलिस हत्या के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएगा अभी तक, लेकिन जो भी है अभी तक अनुसंधान हुआ उसको यह पता चला है कि जो सुबोध सिंह के साथ में जो कुछ क्रिमिनल हमेशा घूमते रहते थे, उसमें से कुछ क्रिमिनल को पहले पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजी थी। रिसर्च करके जो SIT के टीम के सदस्य थे उन लोगों द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। उसी अदालत को लेकर उन्होंने शायद हमला किया, लेकिन पूरी स्थिति स्पष्ट होगी आगे पूछताछ करने के बाद। अच्छा, मीना अरुण सिंह को भी रिमांड पर लेने की बात सामने आ रही है क्या? हाँ, उनको भी रिमांड पर लेकर पूछताछ।